शास्त्र बार बार मानवीय देह की और इसकी मूल्यवत्ता की चर्चा करते हैं कि कितना मूल्यवान है। धरती पर ईश्वर की कोई उत्तम कृति, एक ऐसा उत्पादन ईश्वर का जिसमें पूर्णता और ईश्वर स्वयं हो, तो वो उत्पादन मनुष्य योनि है। ब्रह्मा जिसके पैदा करने के बाद स्वयं अनुभव करते हैं कि मैं धन्य हुआ, जितनी अन्य योनियां हैं उन योनियों में ये चार बातें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वो चार बातें हमारे साथ भी हैं, हम मनुष्यों के साथ। जितने जीव इस धरती पर हैं उनका कोई एक आहार है, प्रत्येक जीव का कोई भोजन है। वैसे तो ये भी कहा गया है जीवो जीवस्य भोजनम्, जीवों का भोजन स्वयं जीव है। तो इस धरती पर हम जितने प्राणी हैं हम सबका कोई एक आहार है। तो आहार की दृष्टि से हम सब कोई भोजन जरूर लेते हैं। निद्रा, और निद्रा की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में। एक प्राणी तो मैंने ऐसा देखा ऑस्ट्रेलिया में, जो प्राणी लगभग 20-22 घंटे सोता है, थोड़ी देर के लिए जगता है। पिछले दिनों हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहां उस जीव को हमने देखा जो प्राय निद्रा में रहता है। तो हम जितने जीव हैं, कोई हमारा भोजन है, हमारे आसपास निद्रा रहती है और भय। हम सब अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए भयभीत रहते हैं। तो भय सब जगह देखा जा सकता है, प्रत्येक प्राणी में। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के लिए भयभीत रहता है। चौथी एक बात और है कि प्रत्येक प्राणी अपना विस्तार करता है। प्रत्येक प्राणी का अपना एक संसार है और उसमें वृद्धि होती रहती है उस समूह की, उसका ही नाम मैथुन है। मैथुन का अर्थ है कि अपना विस्तार, अपने अंश का, वंश का, परिवार का। तो ये चार चीजें इस धरती पर सब जीवों में एक जैसी हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पर कौन सी एक चीज ऐसी है जो हमें सबसे अलग करती है? क्या एक ऐसा है हम में जो प्रत्येक प्राणी से हमें भिन्न करता है, अलग रखता है? तो वो है वैचारिक स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता। वो है कर्म की स्वायत्तता, चिंतन की स्वायत्तता। वो विवेक है, विचार है। वो एक मानवीय संस्कार है हमारा ऐसा, जिससे हम सबसे अलग। हर निद्रा भय मैथुन के अधीन प्रत्येक प्राणी, तो वे अन्य प्राणी जितने हैं वो विचारशील नहीं है। विचार भी है तो वो इन्हीं बातों के लिए, उनमें वो इसी बातों के लिए कहीं उनकी सोच है कि वो भोजन कर लें, सो लें, या दूसरों से कैसे बचें, अपनी रक्षा कैसे करें,
या कि वो कैसे अपना परिवार बढ़ाएं। तो जितने अन्य हैं मनुष्य से अतिरिक्त, वहाँ जो जीवन है वो जीवन उतना उन्नत या श्रेष्ठ नहीं जितना उन्नत हमारे पास जीवन। तो हम मनुष्यों के पास में कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो अलग करती है? वो हमारे जीवन में है कर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसलिए ये जो योनि है दो चीज़ों के लिए मिली है, एक तो भोग के लिए और दूसरा अपवर्ग के लिए। जो हमें जीवन मिला है तो एक तो उसमें हम भोग कर लें जो हमें भोगने हैं, और फिर भोगों में से उपराम होकर भोग के सच को जानकर हम जीवन की सिद्धि कर लें। अपवर्ग, एक तो भोग और दूसरा अपवर्ग, भोग को हम भोग के सच को जानकर हम जीवन की सिद्धि कर लें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मनुष्य के पास में, और वो है विचार, कि हम विचारशील प्राणी हैं और बहुत अच्छा विचार कर सकते हैं। एक और बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। पशुओं में ये बात नहीं, वो अपनी बात कह नहीं पाते, और कहते हैं तो वो उस तरह से उनका चिंतन नहीं कि भोग से अलग हटकर अपना कोई एक उनका चिंतन हो। इतनी एक उत्कृष्टता जिस जीव के पास है वो जीव मनुष्य है। अब मनुष्य के पास में और क्या क्या है? तो एक पूरी जो बहुत बड़ी सत्ता मनुष्य के पास है वो विचार की सत्ता है। तो हम जितने मनुष्य हैं हम विचारशील प्राणी हैं, हम विचारों के जगत में रहने वाले प्राणी हैं। हमारे पास कुछ अच्छे भाव, विचार, और विचार की उड़ान से हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। इस धरती पर वैचारिक क्रांतियां हुई, इस धरती पर विचार आंदोलन हुए, इस धरती पर अनेक विचारधाराएं आईं, और उन्हीं विचारधाराओं का प्रभाव हुआ कि व्यक्ति उन्नत हुआ, बड़ा बना, उसने अपना विकास किया। विचार करते करते कि और अच्छा क्या हो सकता है, और मेरे पास सुविधा, सुगमता, सरलता या कि सुबोध कैसे आ सकता है, तो साधनों को उसने ढूंढा। उसकी प्रगतिशीलता, उसकी उस सोच ने कि मुझे और अच्छा कैसे बनना है, मैं बहुत तेज़ी से कैसे पहुंच सकूं कहाँ कम समय में, तो उसने वाहनों का आविष्कार किया, औषधियों का आविष्कार किया, अन्न देख करके ये अन्न है और इसमें से कैसे पकवान बनाए जा सकते हैं, कि कपास का फूल है इसमें से कैसे धागा निकाल कर तन ढांपा जा सकता है, ठंड में ठिठुर रही है देह तो कैसे एक झोंपड़ी और फिर एक महल खड़ा किया जा सकता है, चमकीले ये रत्न है तो इन्हें कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, रत्नों को, स्वर्ण को जिसने खोजा। तो विचार जो है व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता ले गया। आइए मैं एक बहुत छोटी सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, और वो है कि विचार व्यक्ति का शत्रु और मित्र दोनों है। विचार व्यक्ति का शत्रु भी है और मित्र भी। तो एक बार एक सजातीय विचार, अच्छे विचार, एक श्रेष्ठ विचारों को जैसे ही हम आरंभ कर देते हैं तो फिर वो वैसे ही विचारों को आकर्षित करता है, वो एक विचार, और फिर धीरे धीरे करके विचार का शील, विचार में से एक सकारात्मकता, विचार में से ही एक अलग ऊर्जा और आगे बढ़ने के लिए एक आप में विश्वास विचार देता है। इसलिए जीवन प्रबंधन में जो सबसे महंगी चीज़ है वो है थॉट प्रोसेस, कि जो आप में वैचारिक प्रक्रिया है वो सकारात्मक हो, वो सजातीय विचार आए, वे अच्छे विचार आपके पास आए और नित्य नए विचारों का आप स्वागत करें। अब ये अच्छे नित्य नए विचार कहाँ से मिलेंगे? तो स्वाध्याय से मिलेंगे, सद्ग्रंथों से मिलेंगे, अच्छे अच्छी पुस्तकों से मिलेंगे, महापुरुषों से प्राप्त होंगे,
तो मैं जीवन प्रबंधन के लिए जो सबसे बड़ी चीज पहले आपके सामने रख रहा हूं वो विचारों का संग्रहण, विचार निधि, कि अच्छे विचार आपके पास रहने चाहिए, ताजे विचार रहने चाहिए, जिनमें से बदबू आए, गंदगी आए, बासी हैं, सनाद भरे हैं, सीलन भरे हैं, अलसाए हुए विचार हैं, वो नहीं। एक अच्छे विचारों को अपने आसपास आने दो, बढ़िया विचार आपके पास आए नित्य नए। तो विचार विहग, विचार परिंदे आपके पास आए, बढ़िया। तो हम मनुष्य विचारशील प्राणी हैं, और क्या है हम अनुकरणशील प्राणी हैं, हम अनुकरण करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उसका अनुसरण करते हैं। तो मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशील प्राणी है। जैसे ही आंखें खोलता है वो और बड़ा होता है, तब वो एक दूसरे से सीखता है, अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, अनुशीलन करता है, अनुकरण करता है, दूसरों से वैसे सीख लेता है। आइए मैं एक बहुत अलग तरीके की बात बता रहा हूँ। तो हमको एक आदर्श का अनुसरण करना आरंभ करें। जीवन प्रबंधन में विचार हमारे पास अच्छे हों और आदर्श। अगर हमारा कोई आइडियल नहीं है, अब तो एक आइडियल खोजे जा रहे हैं जगह जगह, संगीत में, नृत्य में, संवाद में, परिधान में, सौंदर्य के गलियारे में उन्हें आइकॉन बताया जा रहा है, उन्हें आदर्श बताया जा रहा है। चलो एक ठीक है, एक युग की बात हो सकती है कि नया युग आया है तो एक नई वो सोच भी लेकर आया है, पर हमारा आदर्श क्या हो, हम कैसा बनना चाहते हैं, जीवन को कैसा ढालना चाहते हैं, हम दरअसल में होना क्या चाहते हैं। तो एक आदर्श हमारे सामने नहीं है या कुछ आदर्श हमारे सामने नहीं है तो हम वैसा नहीं बन पाते। इसलिए हमारे सामने आदर्श होने चाहिए, बड़े आदर्श। तो जिनके सामने उच्च आदर्श रहते हैं, महान आदर्श रहते हैं, और आदर्शों के अनुरूप, आदर्शों के अनुकूल, आदर्शों का अनुसरण करते हुए जब वो चलते हैं, तो उनमें से एक नए चरित्र का और एक नए व्यक्तित्व का एक नया जीवन निकल कर आता है। इसे आप किसे फॉलो कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि आपने चुपके से किसको अपना आदर्श मान रखा है, किसको आप कॉपी कर रहे हैं, किसको, कौन था आदमी जिसने पहली बार गाली देनी सिखाई आपको, यानी कभी जैसे अचानक मुंह से गाली निकल गई तो कहां से पकड़ी आपने वो गाली, कौन था जिसने अचानक आपको गाली देनी सिखा दी, तिरस्कार करना सिखाया, अपमान करना सिखाया, कौन था वो आदमी। कुछ जो बेकार सी चीज आपके आसपास रखी है वो किसी से आपने ले ली, मन ने वो रख ली अपने आसपास, और कुछ अच्छी चीज, बड़ी महान चीज है आपके पास है जो आपने रख ली अपने पास। तो चित्त एक ग्रहण करता रहता है, मन बुद्धि चित्त के आसपास में निरंतर संग्रहण चलता रहता है, मन बुद्धि चित्त निरंतर कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। तो अगर हम आदर्श हमारे सामने नहीं है तो कुछ भी हम ग्रहण करते रहेंगे, और उससे फिर धीरे धीरे करके हम में एक आदत बनती है, एक स्वभाव बनता है, हमारी प्रकृति बनती है, हम में से एक पूरा जीवन निकल कर आता है, एक वो जीवन जो अनजाने में ही प्रकृति, वातावरण, और जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज, उसे धीरे से एक एक आकार, हम अपनी शेप क्या बना रहे हैं, हमारी जो शेप बन रही है, हमारा जो आकार बन रहा है वो क्या बन रहा है। कभी आपने कुम्हार को देखा, कुम्हार के सामने मिट्टी है, मिट्टी और कुम्हार, लेकिन जो शेप है, आकार है, वो कल्पना के आधार पर है। वैसे ही मिट्टी को धीरे से सहेजता है, और मिट्टी को थोड़ा सा सहेज से घूम रहा है, चक्र उसका चाक घूम रहा है, और कुम्हार मिट्टी को इकट्ठा करते हुए और धीरे से उसमें एक उंगली रखकर और फिर उसमें गड्ढा करते, उसे बड़ा करते करते लीजिए एक आकार बनाना शुरू कर दिया। क्या बन गया, कुछ भी जो उसने बनाया, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरा या दीपक, जो बनाया, बस धीरे से उसने उंगली डाली
और वैसे शेप वैसा आकार देते हुए और उसने कुछ बना लिया। मैं एक विश्वास के साथ आपको कुछ कहना चाह रहा हूं कि अभी भी आप जो शेप देना चाहें दे सकते हो, अभी भी आप जो बनना चाहें बन सकते हो, अभी भी। ऐसा नहीं है कि जी अब तो बन गए, अब क्या होगा, अब हम हमारी तो कोई संभावना ही नहीं रही, अब हमें तो कुछ होना जाने वाला नहीं है और अब नहीं कुछ होगा। हो सकता है, जब चाहें तब आप हो सकता है, जिस दिन से चाहें उस दिन हो सकता है। अंतःकरण तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसा बनाते, वो तो हमारी चाहत का परिणाम है, हमारी सोच है। वो तो जैसा हम होते हैं चाहते हैं वैसा हमारा वो अंतःकरण बनता जाता है। तो अगर हम अच्छे विचारों को आकर्षित नहीं करते अपनी ओर, या हमारे सामने आदर्श नहीं है, या हमारे सामने बड़े मूल्य नहीं है, हमारे सामने कोई बड़ा चरित्र नहीं है, तो फिर हम वैसे नहीं बन पाते। इसे जीवन प्रबंधन के लिए, जीवन एक अच्छा बने, एक उत्तम कोटि का, और वो आप उसे संभाल भी सके। एक बहुत सस्ती बात बता रहा हूँ और उस पर आपका ध्यान चाहूँगा कि कभी कभी जीवन अपने हाथ से निकल जाता, आपके हाथ से सरक गया, जीवन की कोई मैनेजमेंट आप मैनेज ही नहीं कर पाते, प्रबंध ही नहीं कर पाते, अपने पर अंकुश नहीं रख पाते, अपने हाथ में आपकी बागडोर है ही नहीं। तो कई बार ये अपने हाथ में ही नहीं रहा, आप वो इतना अधीन हो गया है किन्हीं चीज़ों के। तो कुछ ऐसी आदत अभ्यास हमारी बन गई, कुछ इस प्रकार से धीरे से हमारी एक प्रकृति का निर्माण हुआ कि अब उसने वो बना दिया जो हम नहीं बनना चाहते। अब हम वो हो गए जो हम होना नहीं चाहते थे, अब वो हो गए तो उसे कैसे अलग करें। अब वो हो सकते हैं जो आप होना चाहते हैं, अब वही हो सकते हैं, चूंकि आप अपनी सोच और विचार का परिणाम है। इसे जो बहुत अच्छे लोग हैं वो नियमित नए विचारों का स्वागत करते हैं, उनके सामने कुछ आदर्श रहते हैं और उनके सामने एक चीज निरंतर रहती है जीवन प्रबंधन के लिए, और उसका नाम है आत्मनिरीक्षण। और आज मैं इसी से जीवन प्रबंधन की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो उत्तम कोटि का जीवन और उसका कैसे प्रबंधन करें। इतनी संपदा हमारे पास है, उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे हम जीवन को सहेज के नहीं रख पा रहे, जो बहुत लाभ का सौदा है जिससे बड़ा कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसके रक्षण उसका रक्षण नहीं है। दरअसल में हम अपने को तो मूल्य कम देते हैं और हम पदार्थों को अधिक मूल्यवान मानते हैं। कम से कम मूल्य जिसे देते हैं वो स्वयं है। मैं थोड़ा वेदांत में एक पल के लिए चलूं तो वो ये है कि हर गोल मटोल कंकर में शंकर मानने को तो तैयार है, पर अपने भीतर में कोई कुछ हो सकता है मानने को तैयार नहीं। हर गोल मटोल कंकर में शंकर देख सकते हैं आप, तो काला सा एक कलूटा पत्थर आपको शालिग्राम दिखता है उस पर तुलसी चढ़ाने को तैयार हो, लेकिन अपने पास भी कुछ हो सकती है चीज़। तो अपने को बहुत उपेक्षित जो रखते हैं, निराश जो हो गए, अब कोई संभावना नहीं बनी जीवन में, उनके लिए बात कही जा रही है कि एक बार पूरा अपने को समझें। तो हमारी संस्कृति आत्मनिरीक्षण की बात कहती है कि एक बार पूरा अपने को समझ तू कौन है, पूरा समझ कि तू क्या नहीं है, एक बार पूरा समझ। तो एक आत्मनिरीक्षण की विधा है जिसे अपना पूरा समझना होता है अपने आप को। अब दूसरों के बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं कि दूसरों का स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसा पहनते हैं, और दूसरों पर टिप्पणी कराई जाए तो आप अच्छी भी टिप्पणी कर सकते हैं, एक अच्छी उनकी उनके बारे में पूरा आपके पास बहुत जानकारी है। बल्कि तो कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अरे नहीं हम पूरा जानते हैं, क्या इनके बारे में पूरी जानकारी है हमारी। तो आपको बहुत से लोगों की बहुत सी जानकारियां हैं, अच्छी बात है। चलो एक प्रश्न मैं करता हूं, क्या आपको अपनी जानकारी है? आपको बहुत जानकारियां हैं बहुत से लोगों की, आपको बहुत
चमत्कारी है। आप बहुत से लोगों को जानते हैं, क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्या आपकी जानकारी में आप स्वयं आते हैं? कबीर जैसे व्यक्ति ने कहा कि जब मैं ढूंढने चला दुर्गुण कहाँ कहाँ हैं, तो मैं उन लोगों को ढूंढने चला जो बेकार लोग हैं, मैं उन्हें ढूंढने निकला था जो निकम्मे हैं, जो किसी काम के नहीं हैं। और फिर जब ऐसे शुरुआत की मैंने कि चलो बेकार लोगों को ढूंढने चलें, और तब मुझे लगा कि बाहर से क्यों, पहले अपने से शुरू करें, तो मैं बाहर नहीं जा सका, क्योंकि बहुत सी बेकार चीज़ें मेरे आसपास ही थी। जब मैं दुर्गुण ढूंढने निकला, बुरा जो देखन मैं चला, तो जब वो देखने चला कि बुरा क्या है, बस यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ बुरा और भला, हानि लाभ, कुछ द्वंद्वों में घिरा हुआ हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। अनुकूलताओं का संचय करने के लिए, समीकरण बैठाते बैठाते पूरा जीवन बीत जाता है। तो आइए आत्मनिरीक्षण करें, और ये साधना की पहली सीढ़ी है। कोई पूछे कि साधना की सीढ़ियाँ भी हैं कुछ, तो पहला सोपान सीढ़ी, पहला पायदान क्या हो सकता है? तो एक अच्छे साधक के लिए ये बात कही जा रही है कि साधना की पहली सीढ़ी आत्म निरीक्षण है, पूरा स्वयं को समझना है। और जो ऐसे सजग प्राणी होते हैं, उन्हें अपने स्वभाव का पता होता है, मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ। तो एक अंक तालिका बनाइए, अंकों की तालिका, ग्रेडिंग कीजिए, रेटिंग कीजिए अपनी, और रेटिंग करते हुए, ग्रेडिंग करते हुए, किस ग्रेड के आप व्यक्ति हैं, यानी किस कोटि के व्यक्ति हैं, किस अवस्था के व्यक्ति हैं, किस श्रेणी के व्यक्ति हैं, किस भूमिका के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, उसमें लिखो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। उसमें लिखिए कि तम कब आता है, कितना, रजोगुण कितना है, सत्वगुण कितना। मैं दूसरों के प्रति जब मैं कितना उनके दोष विसार देता हूँ, दूसरों के दुर्गुण मैं कितनी जल्दी क्षमा कर देता हूँ, या कितना पकड़ के रखता, या मैं कितना अधिक आ सकता हूँ किन पदार्थों में। एक बार तो मैंने तालिका बनवाई थी एक साधना शिविर में, कि आपके रंगों की रुचि क्या है, आहार की रुचि क्या है, भोर दोपहर सांझ में क्या अच्छा लगता है, आपको कौन से ऋतु, फिर आपकी धीरे से प्रकृति का पता लग जाएगा। बहुत शुरू शुरू में एक महाराज जी बताते थे कि लंबे समय तक जो साधक गुरुजनों के पास रहते हैं, या निरंतर उनका आना जाना रहता है, तो गुरुजनों को उनकी प्रकृति का पता लग जाता है। तो लंबे समय तक प्रकृति का उनका परीक्षण हो जाता है, और वैसी उन्हें वो साधना बता देते हैं कि आपके लिए ये साधन ठीक रहेगा, आप इस प्रकृति के व्यक्ति हैं, इस स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपकी ऐसी सोच बन गई है, तो आपके लिए ज्ञान ठीक है, भक्ति ठीक है, या कर्म की दिशा सही है। आप निष्काम कर्म योग की ओर जाओ, आप ज्ञान की उपासना ज्ञान करिए, अथवा भक्ति करो। कर्म ज्ञान और उपासना, ये तीन विधान हैं, ये तीन विधाएं भगवान को पाने की, निष्काम कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। एक निरीक्षण करिए अपना कि क्या उपासना भी लाभ के सौदे के लिए की जा रही है क्या। तो जिस दिन ये आपका ध्यान, भजन, पूजन, अर्चन भी लाभ के लिए हो रहा हो, तो फिर एक कागज में लिखो कि मैं साधक नहीं हूं, मैं एक बढ़िया ग्राहक हूं। फिर लिखो कि मैं बढ़िया एक सांसारिक प्राणी हूँ, मेरी जो मांग है वो किसी न किसी तरह से संसार ही है, मैं संसार में मान सम्मान, सुख संपदा, सौंदर्य, प्रतिष्ठा का आकांक्षी हूँ। अभी मैं साधना इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इंद्रियों पर संयम रखना है, वाणी में मधुरता लानी है,
अथवा मुझे अपने चिंतन को प्रखर बनाना है, या मुझे पूरे जीवन को पारमार्थिक बनाना है, या हर पल जीवन के सच को समझते हुए मुझे वैसा ही व्यवहार करना है, इसे कहेंगे आत्मनिरीक्षण। तो आत्मनिरीक्षण में मन वचन कर्म को समझना होता है। मैं मन वचन कर्म से कैसा हूँ, मुझ में भाव कैसे पैदा होते हैं, मैं बोलता कैसे हूँ, मैं करता कैसे हूँ, मैं किस तरह से चलता फिरता खाता पीता हूँ, इसे कहेंगे आत्मनिरीक्षण। एक दिन में समझ में नहीं आएंगे आपकी चीज़ें, आप कहोगे हमने एक दिन कर लिया आत्मनिरीक्षण, समझ ही नहीं पाओगे बाबू कि आप में चल क्या रहा है। जन्मांतर की मांग, जन्म जन्मांतर की वासनाएं, न जाने कितनी स्पृहा लालसाएं आपके आसपास खड़ी होंगी। आपके आसपास तो कामनाओं का ढेर है, और उन्हें कैसे सिकोड़ना है, कैसे समेटना है उनको, उसके फिर बाद में प्रयोग है। इसलिए पहले एक बार समझ लीजिए अपने आप को कि आप क्या हैं, इसे कहेंगे आत्म निरीक्षण, जिसमें एक एक ब्लॉक बनाएं, अलग 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 बनाइए अपने अलग अलग के, ये मन और ये मन के विचार, ये मेरी वृत्तियाँ, ये मेरा चित्त है, ये मेरे निर्णय हैं। कुछ लोगों को तो यही फर्क नहीं समझ में आता, उनसे पूछो भाई मन और चित्त जानते हो क्या है, बुद्धि जानते हो, वो कहते हैं महाराज आपकी बातें हैं, आप हमें क्या पता मन बुद्धि चित्त क्या है, हमको तो कुछ पता ही नहीं। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मन क्या है, बुद्धि क्या, जो निर्णय ले रही है वो बुद्धि, जो विचार कर रहा है वो मन, जो वृत्तियों के रूप में ठहर गया है वो चित्त है। कुछ पता ही नहीं कि अभी जो गुस्सा था क्यों था, अरे भाई तो तमोगुण के कारण था, गुण एक विकसित हो गया था, ये प्रदर्शन की भावना पैदा हुई क्या है, रजोगुण है। उदारता किसके कारण आई, सत्वगुण के कारण, तो किस गुण का ज़्यादा विकास करें, सत्वगुण का, वो गुण कहाँ से आएगा, रजोगुण को और तमोगुण को कम करने से, ये कहाँ से आएंगी चीज़ें, तो उनके उनके फिर स्रोत हैं, स्रोत है। मैं एक बार जोगढ़ गांव में गया, उत्तरकाशी के ऊपर एक गांव जोगढ़ गांव, तो वहाँ 9 स्रोत हैं जल के, 9। उस गांव की प्रकृति का मुझे मालूम है, 9 स्रोत हैं जिनमें 8 सूख जाते हैं, एक हमेशा रहता है, एक हमेशा रहता है। 9 स्रोत हैं वहाँ के, उस गांव में जल 9 जगह से आता था, जिनमें 8 तो सूख जाते थे, एक हमेशा स्रोत जिंदा रहता था, वो उस गांव को पानी देता था। रस का स्रोत कहाँ है, आनंद का स्रोत कहाँ है, ज्ञान का स्रोत कहाँ है, संयम का स्रोत कहाँ है। जिस दिन वो सूख गया, ध्यान रखना गुणों को घटाना बढ़ाना आपको नहीं आएगा, उन्हें बल देना आपको नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप में सत्व बना रहे, सात्विकता बनी रहे, आप में एक गुण वो बना रहे जिससे तमोगुण रजोगुण कम रहे, आप सहज रह सकें, शांत रह सकें, आपके मुख की प्रसन्नता छिनने न पाए। और जब आप प्रसन्न चित्त होते हैं तब उत्पादकता अधिक होती है, वो जो भी प्रोडक्टिविटी है, वो जो कुछ भी आप करते हैं उसमें कम थकते हैं और उसमें कुछ अच्छा कर पाते हो। जब आप खिन्न म्लान होते हैं, जब आप भयभीत होते हैं, या जब आप बहुत चिंतित और व्यग्र होते हैं, जब बड़ी उत्तेजना में आप होते हैं, ये असंयत और आपके भीतर में असंतुलन होता है, तब जो भी काम कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मन आत्मनिरीक्षण करें, इस साधना का पहला सोपान है। जीवन प्रबंधन के लिए पहले समझ तो लेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो मानसिक शक्तियों का विकास कीजिए, कल्पनाशील बनिए, सृजनशील बने, अच्छे विचारों का आमंत्रित करो, शुभ भाव से अपने चित्त को शुभ शुभ भावों से अपने चित्त को भावित कीजिए, जैसे घर सजाया जाता है। और फिर धीरे से आप पाएंगे कि आपका अंतःकरण
पवित्र हो गया है। तो जीवन प्रबंधन में जीवन लाभ लेने के लिए, जीवन के उस छोर तक पहुंचने के लिए जो पहली महंगी चीज है उसका नाम अंतःकरण है, और उसे संभाल कर रखिए, उसे सुंदर बनाइए और उसमें मन बुद्धि चित्त आदि इन्हें सुरक्षित रखिए, बढ़िया सा रखिए। ये आखिर मन बनता कहाँ से है? हमारा मन की बात करो, मन क्या है? अरे मन तो बाहर से बनता है, सोचने से बनता है, मन कुछ और थोड़ा ही है। सोच विचार का नाम मन है। खाने पीने छूने चखने से ही तो मन बनता है, और वो फिर वैसा ही हो गया है, वो अध्यास बन गया, आदत बन गई है वैसा ही। तो धीरे से उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है? एक मैं बात कहूँ कि कहीं कहीं कुछ ऐसी अभी भी मिलती हैं दुकानें जहाँ पर मरम्मत होती है बाल्टियों की, मशीनों की, औजारों की, उपकरणों की। कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ मरम्मत होती है, और मेरे समय तो मैंने बोर्ड देखे थे कि यत्नपूर्वक तसल्ली बख्श काम किया जाता है, यहाँ पर यत्नपूर्वक यहाँ पर मरम्मत की जाती है। ऐसी वर्कशॉप ऐसी हैं कई अभी भी मशीनों को जहाँ ठीक किया जाता है। एक बार मशीन ले ली, नहीं चल रही, फेंक थोड़ी देंगे। कौन सा पुर्जा ठीक नहीं चल रहा, उसकी मरम्मत कराई जाती है। आओ एक आपको अच्छी बात सुनाता हूँ, मन और बुद्धि ऐसी मशीनें हैं जो नई बनाई जा सकती हैं, जिनकी मरम्मत की जा सकती है। एक बार जो मन बन गया है वो अब बस मन बन गया, अब नहीं बदला जा सकता। ना ना ना, रिपेयर किया जा सकता, अच्छा बनाया जा सकता, जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता। अब तुम्हारा मन बन गया, एक बार जैसा मन बन गया अब थोड़ी बदलेगा ये, जैसी बुद्धि हो गई एक बार, अभी बुद्धि थोड़ी बदलेगी, बदली जा सकती, रिपेयर कराई जा सकती। अरे रिपेयर की बात छोड़ो, बिल्कुल नया बनाया जा सकता, जैसा चाहो वैसा किया जा सकता है। पर होगा तब जब ये समझ में आए कि जीवन बहुत मूल्यवान है और मुझे छोटे छोटे बातों में नहीं उलझना चाहिए, कुछ छोटे छोटे पदार्थों की आसक्ति में और कुछ केवल कुछ आकर्षण मुझे पूरा घेरे रखें और मैं कुछ न समझ सकूं जीवन के सच को, ये भारी धोखा होगा, मेरे साथ ठगी होगी, छल होगा, मुझे कुछ समझना चाहिए। तो इस तरह से अपने को नॉक, अपने को बार बार खटकाने के लिए कोई एक समल और समर्थ विचार आपके पास आना चाहिए। अच्छा, विचारों की जब मैं बात करता हूँ ना, तो उनका एक अपनी दुनिया है विचारों की। जैसे ही एक विचार आपके भीतर आता है तो वो बहुत लंबे समय तक अन्य और विचारों को ही पैदा करता रहता है। एक विचार धीरे धीरे करके अन्य और विचारों को। तो ये बस समझना है कि ये निराशावादी, हेय, निंदा का, ग्लानी, क्षोभ का विचार तो नहीं, तो उस प्रतिपक्ष की भावना पैदा करो, उदारता लाओ, प्रेम लाओ, करुणा लाइए, सबलता लाइए, आशावादिता लाओ, और तुरंत अपने हाथ में एक अच्छी पुस्तक खोल के बैठ जाओ। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़े व्यक्ति हमें मिले और वो फिर तो बहुत ऊँचे